हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक मार्केट एएसबी। सभी दर्शकों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि 26 दिसंबर 2023 यानी के मंगलवार को स्टॉक मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैसी रहेगी, गैप अप होगी या गैप डाउन होगी। उसके बाद जो अभी करंटली जो कोविड के न्यूज आ रहे हैं उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में कैसे हो सकता है, क्या हमें अभी इस साल जो बचे हुए दिन में क्या मार्केट में हो सकता है, क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है और ईयर एंडिंग भी है। उसके चलते हमें अभी जो 3-4 दिन बचे उस दिन में कैसे ट्रेड करना है, ये हम इस वीडियो में एक सिंपल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। सबसे पहले आज देखते हैं आज फ्राइडे के दिन स्टॉक मार्केट में कैसे रहा। आज स्टॉक मार्केट इतना वॉलेटाइल था कि आमतौर पर जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो थोड़े से कंफ्यूज जोन में थे, क्योंकि कोई कॉल बाय करता है तो भी उनको लॉस हो रहा है, कोई पुट बाय कर रहा है उनको भी लॉस हो रहा है। प्रॉफिट तो हो रहा ही है लेकिन एक वे जो वन वे होता है वो क्लियर नहीं था। जिस तरीके से बैंक निफ्टी आज हमें 450 पॉइंट की गिरावट दी, उसके अगेंस्ट निफ्टी ने आज 90 पॉइंट की बढ़त दी। उसके साथ सेंसेक्स की आज वीकली एक्सपायरी थी, सेंसेक्स में भी आज 250 पॉइंट की बढ़त दी। समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक तरीके से चल रहा है, निफ्टी एक तरीके से चल रहा है और सेंसेक्स भी एक तरीके से चल रहा है। मतलब जो इन्वेस्टर है उनको व्यू क्लियर नहीं मिल रहा कि हमें बाइंग करके चलना है या सेलिंग करके चलना है। दोस्तों, जो भी अभी फिलहाल जो मार्केट है थोड़ा वॉलेटाइल है, न्यूज के चलते वॉलेटिलिटी ज्यादातर है, आपको सिर्फ इस मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। एक आध दो ट्रेड कीजिए, जब तक ये साल खत्म होता है अगले साल नई स्ट्रेटेजी नई उम्मीद के साथ काम कीजिए। तब तक थोड़ा सा आप मार्केट से अवॉइड ही रहिए, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर भी आपको अभी बचे हुए 3-4 दिन में कैसे काम करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं अभी चार्ट पर, जिस पर हम देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट हमें क्या कहता है, और अंत में हम जाएंगे ऑप्शन चेन की एनालिसिस पर, जहां पर हमें देखना है कि सपोर्ट कितना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर है और ओपन इंटरेस्ट कितने है, क्या है, वो सब हम जानेंगे। आप आगे वीडियो में बने रहिए। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ने आज की जो क्लोजिंग दी है 21,332 यानी कि 94 पॉइंट की बढ़त आज हमें निफ्टी में देखने को मिली। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी ने आज कारोबार कैसे किया। आप देख सकते हैं सुबह से, यहाँ से देखिए, हाँ, निफ्टी जैसे आज ओपन हुआ हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद फिर निफ्टी ने एक हमें लोअर साइड दिया, लोअर दिया था 21,250 का, फिर उसके बाद मार्केट में हमें तेजी देखने को मिले और निफ्टी ने लगभग एक 10-11 बजे के आसपास 21,400 का हाई दे दिया था। फिर उसके बाद निफ्टी ने थोड़ी सी हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और निफ्टी लगभग 12:30 के आसपास 21,300 के आसपास रहने को लगा। फिर निफ्टी ने वापस ऊपर स्तर जाने की तैयारी में था, फिर वापस नीचे आने लगा। आज निफ्टी का एक क्लियर व्यू नहीं था। अंत में लास्ट 3:45 के बाद निफ्टी ने वापस हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और 21,332 पर आज की क्लोजिंग हुई। अभी यही ट्रेंड देखते हुए हमें देखना है कि ट्यूसडे यानी कि 26 दिसंबर 2023 को निफ्टी की ओपनिंग कैसी रह सकती है। आज की ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग कैसी होती है उस पर ज़्यादातर डिपेंड है निफ्टी ट्यूसडे को कैसे ओपन होता है। लेकिन आज ग्लोबल मार्केट में ओवरऑल सभी जगह पर एक निगेटिव चल रही है, यानी कि फ्लैट कारोबार चल रहा है। अगर मिडनाइट तक ग्लोबल मार्केट फिसलते हैं तो ट्यूसडे को हमें मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन वो जो गैप डाउन ओपनिंग होगी
वो ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, वापिस मार्केट वहां से रिकवर होते हुए दिख सकता है। तो हमें सिर्फ मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे डिप में हमें बाय करके चलना है और छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर बुक करना है, ना कि लंबे समय तक आपको मार्केट में रहना है। क्योंकि अभी मार्केट एक मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, तो सभी जो भी प्रीमियम होते हैं वो ज़्यादातर टाइम डिके की वजह से जीरो होते हैं की संभावना होती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वेट करना है। बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो आज निफ्टी के बराबर बैंक निफ्टी टोटली अपोजिट चल रहा था। बैंक निफ्टी में हमें लगभग 350 पॉइंट की गिरावट आज के दिन देखने को मिली। बैंक निफ्टी के आज की क्लोजिंग देखते क्या है। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 47,458 और 348 पॉइंट की गिरावट। लगभग दोपहर के 2:45 के बाद बैंक निफ्टी में हमें शार्प शॉर्ट रिकवरी देखने को मिली। मार्केट 47,700 से सीधा 300 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी आज अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। जैसे ही आज मार्केट एक बार उसने हाई भी दिया था, 48,100 का हाई भी दिया, उसके बाद मार्केट में हमें वापस शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। ट्यूसडे को बैंक निफ्टी में हमें एक लगभग 150-200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की संभावना है, लेकिन सब निर्भर करता है आज ग्लोबल मार्केट कैसे क्लोज होते हैं। क्योंकि मंडे के दिन मार्केट क्लोज है क्रिसमस की वजह से, फिर उसके बाद टाइम डिकी की वजह से मार्केट में कैसे कारोबार होता है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वेनसडे को थर्सडे को बैंक निफ्टी की वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी वेनसडे को है, यानी कि 28 दिसंबर 2023 को। तो आने वाले वक्त में देखना है कि कैसे हमें इसमें ट्रेड करके चलना है। तो अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन के एनालाइज पर। अभी हम ऑप्शन चेन में आ चुके हैं, जो कि एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर आप देखते हैं कि कहाँ पर हमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 88,602 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, वो ओपन इंटरेस्ट है 21,400 पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। उसके बाद अगर पुट साइड हमें देखना हो तो पुट साइड पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 1,30,475, वो है 21,300, यानी कि 21,300 ये स्ट्रांग सपोर्ट है और 21,400 ये रेजिस्टेंस है। अगर हम कैलकुलेट बेट देखेंगे तो यहाँ पर टोटल कॉल राइटर जो है 22,51,273 यहाँ पर टोटल कॉल राइटर की ओपन पोजीशन है। और पुट राइटर की यहाँ पर देखते हैं, पुट राइटर है 25,12,593 यहाँ पर पुट राइटर की ओपन पोजीशन है, यानी कि कॉल के बराबर में हमें पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है। तो यही हमें देखना है कि मार्केट में हमें कैसे यहाँ से निफ्टी डेटा वाइज तो लग रहा है कि मार्केट गैप अप होगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में गिरावट आती है तो हमें फिर गैप डाउन की ही संकेत मिलते हैं। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होगा वो भी देखते हैं बैंक निफ्टी में। एक लाख नाइन्टी फाइव ये जो कॉल राइटर की ओपन पोजीशन है,
ये है 48,000 पर, मतलब 48,000 पर, यानी कि 48,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। तो थोड़ा ये भी देखते हैं, और 1,23,691 यहाँ पर पुट राइटर की ओपन पोजीशन जो है ये हुए 47,500, यानी कि बैंक निफ्टी के लिए एक 47,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और 48,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। कुल अगर यहाँ पर देखेंगे तो टोटल कॉल राइटर जो है यहाँ पर 28,42,477 कॉल राइटर है, और पुट राइटर जो है ₹26,34,080 यहां पर टोटल पुट राइटर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा मिला होगा। अगर यदि आप वीडियो चाहे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। ऐसे ही अपडेट, ऐसे ही स्टॉक मार्केट से जुड़े हर एक अपडेट आपके साथ लाने में आपकी सहायता करूंगा, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।